हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं पावर वर्ल्ड, जहां पे अपन लोग पकड़ने वाले हैं फिर से बड़े बड़े बॉसेस को। और जो बॉसेस को पकड़ने वाले हैं गाइस, वो होने वाले हैं बहुत ज्यादा पावरफुल। डरने की कोई बात ही नहीं है गाइस, क्योंकि अपने पास है भाई साहब फ्रॉस्टेलियन। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते अपने पहले बॉस के पास। ओके, तो गाइस अपन लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट बॉस के पास, जिसका नाम है अनुबिस। अनुबिस एक ग्राउंड टाइप बहुत ज्यादा पावरफुल पाल है। तो गाइस इससे फाइट लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अपने पास फ्रॉस्टेलियन है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है भाई। फैन ग्लोब से स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं कितना डैमेज देता है अपना फैन ग्लोब। भाई साहब, ओ भाई अच्छा डैमेज दिया यार, जमा दिया डायरेक्ट बंदे को। और शायद से गाइस अनुबिस ना अभी मस्ती मजाक में इससे फाइट ले रहा हो, वरना अनुबिस भाई साहब बहुत ज्यादा पावरफुल पाल है भाई। अभी ना थोड़ा दूर रह के अपन लोग देखते हैं कि ये दोनों कैसे कैसे फाइट लेते हैं, अनुबिस कैसे कैसे इसके ऊपर अटैक करता है, बस ये देख लेते हैं। उसके बाद गाइस अपन लोग भेजेंगे अपने बॉसेस पाल को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। फ्रॉस्टेलियन हो गया, ब्लेजमोट हो गया, और भाई सब और भी अच्छे अच्छे पाल है अपने पास। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, शायद अनुबिस फंस गया वहाँ पे, स्टॉक हो गया लग रहा है मुझे। और फैन ग्लोब भी क्या कर रहा है भाई, शायद से ना अभी अनुबिस वहाँ पे फंस गया है और अपना फैन ग्लोब भी शायद ग्लिच हो गया कुछ। अब भेजते हैं गाइस ब्लेजमोट को, देखते हैं शायद निकाल दे, या फिर ये भी कुछ नहीं कर रहा क्या। तो भाई ये भी कुछ नहीं कर रहा है, अनुबिस एक जगह पे फंसा पड़ा है। निकालो भाई इसको, तब ना फाइट होगा अपना। अरे ओए अनुबिस भाई निकल जाए यार, क्या कर रहा है भाई। ओ भाई गंदा डैमेज आ रहा, एक बार में इसने मेरा शील्ड उड़ा दिया। कुछ भी बोलो गाइस, लेकिन अनुबिस का डैमेज तो है भाई, डैमेज तो अच्छा खासा दे रहा है बंदा। भाई अनुबिस तो दौड़ा दौड़ा के मार रहा भाई अपने ब्लेजमोट को। ओ गाइस एक बार में भाई साहब पूरा एचपी खा गया अपने ब्लेजमोट का अनुबिस। अनुबिस भाई अच्छा खासा, नहीं 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 भाई गंदा अटैक यार, क्या कर रहा भाई अनुबिस। चल भाई फ्रॉस्टेलियन इसको थोड़ा सबक सिखा भाई। गाइस अभी ना अभी बहुत मजा आने वाला। नहीं यार क्या कर रहे हैं यार, अभी भी आधे तूफान। चल भाई पीगन थोड़ा बहुत डैमेज दे इसको। फ्रॉस्टेलियन को मैंने बुला लिया गाइस, क्योंकि इसको लास्ट में अगर डैमेज देना रहेगा तो फ्रॉस्टेलियन को भेजेंगे। अभी जो जो लो पाल है उनको भेजते हैं गाइस, देखते हैं। नहीं यार क्या कर रहा भाई, अभी भी तो एचपी फिर से फुल किया था मैं। कैसे तू भी यार कितना लो है। चल भाई फ्रॉस्टेलियन, अब देखो गाइस फ्रॉस्टेलियन कैसा मारने वाला है इसको। ओ भाई अच्छा खासा ब्लॉक कर रहा भाई उसका अटैक ये तो। अरे भाई उधर है फ्रॉस्टेलियन, क्या कर रहा भाई, पीछे क्यों आ रहा। चलो 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 अटैक 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 कर भाई, गंदा वाला अटैक कर दे भाई, कुछ भी कर। हाँ करने वाला भाई, देखो एचपी। ओ भाई साहब अभी तो इजी कैप्चर हो जाएगा भाई, देखते जाओ अपने पास, क्योंकि लेजेंडरी स्पेयर है एक बार में 100%। और ये कैच भाई साहब, लेजेंडरी स्पेयर के सामने तो कोई बचने का चांस ही नहीं पैदा होता। चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट बॉस के पास। और ये भाई साहब छोटा मोटा बॉस ही है, ज़्यादा लेवल का नहीं है। इसको तो अपना फ्रॉस्टेलियन एक बार में फिनिश कर देंगे गाइस, देखते हैं। चलो देखो स्टार्ट करते हैं फाइट। अब देखना गाइस, बस फ्रॉस्टेलियन को देखो आप कैसा डैमेज देता है ये इसको। और भाई पहला अटैक उसने किया, लेकिन अभी फ्रॉस्टेलियन का अटैक बाकी है मेरे दोस्त। और भाई ये देखो एक बार में भाई 25% HP तो यूं ही ले गए बोलो। और देखो गाइस कितना HP जा रहा है इसका, एक बार और अटैक किया ना भाई फ्रॉस्टेलियन अच्छे से, तो ख़त्म भाई गेम। देखते जाओ अभी गेम कैसे ख़त्म होता है, तुरंत इंस्टेंट ख़त्म कर दे गाइस। ये देखो भाई डेड यार, कहाँ लगे हो फ्रॉस्टेलियन है भाई। वो भाई साहब एक बार तो इसको जॉर्मन टाइट के ऊपर भी चेक करना बनता है। तो आ गया हूँ मैं जॉर्मन टाइट के पास भाई, देखते हैं कितना इसको डैमेज देता है अपना फ्रॉस्टेलियन। दोनों एक वाटर टाइप पाल है गाइस, अपना फ्रॉस्टेलियन आइस टाइप पाल है, देखते हैं गाइस कितना। अरे भाई उधर फाइट लेने जाना है भाई तेरे को, बुरा बंदा उतना बड़ा तेरे को डायनासोर नहीं दिख रहा भाई, जाकर फाइट ले उससे यार। ओके तो दोनों के बीच फाइट हो चुका है, लेकिन भाई ये कुत्ते कहाँ से बीच में आ गए भाई मेरे पास, इनको मारना पड़ेगा गाइस वरना फाइट इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। और भाई उधर तो अपना फ्रॉस्टेलियन भाई उसको हाफ HP कर चुका है ऑलमोस्ट यार। अरे भाई इसको मारना पड़ेगा यार कुछ भी करके। चल मर जा भाई, मेरे को फाइट देखना उन दोनों का। ओके तो ये मर चुका है, चलते हैं इस दोनों को भी देखते हैं कैसा फाइट चल रहा है। और भाई मुझे अच्छे से पता था कि भाई अपना फ्रॉस्टेलियन एकदम बढ़ चढ़ के इसके ऊपर हावी होगा। फ्रॉस्टेलियन का HP जीरो गया है भाई अभी तक, जीरो HP सोच सकते हो, जीरो HP है। और भाई साहब देख सकते हो जॉर्मन टाइट का HP देखो कितना है, अभी भी मार दूँ तो कैप्चर हो जाएगा इस, क्योंकि अपने पास लेजेंडरी स्पेयर है। तो भाई साहब मार के देखते हैं कैप्चर हो जाए तो क्या पता, आपने वैसे अपने पास एक है ये, वैसे इसको चाहिए नहीं मुझे, लेकिन फिर भी पकड़ लेते हैं गाइस, क्या पता फ्यूचर में अगर दो जॉर्मन टाइप की जरूरत पड़े तो काम आ जाए। ओके तो गाइस 100% कैप्चर, लेजेंडरी स्पेयर ऐसे नहीं बोलते भाई इस स्पेयर को। और भाई तू इधर कहाँ लड़ रहा। ऑल राइट गाइस चलते हैं अपने तीसरे बॉस के पास, देखते हैं भाई कौन सा बॉस है अपना। मुझे लग रहा ब्लेजमोट ही होगा भाई साहब, ब्लेजमोट अपन लोगों ने पकड़ा नहीं है, ब्रीडिंग के थ्रू ही उसको पाल पर उसके बड़ा किया था।
और अभी अपन लोग वापस से आ चुके हैं ब्लेजमोट पकड़ने। ये भाई अल्फा पाल होने वाला है, 50 लेवल का बंदा है शायद, 50 या 45 लेवल का होना ही चाहिए। देखते हैं अपन लोग इसको पकड़ पाते हैं कि नहीं, कि अपने पास तो ऑस्ट्रेलियन है भाई, डरने कोई बात ही नहीं है। लेजेंडरी पाल जब आपके पास हो तो भाई सब किस बात का डर। चलते हैं गाइस, देखते हैं कौन सा है। हाँ ब्लेजमोट ही है तो भाई 49 लेवल का ही पाल है, और अपना ऑस्ट्रेलियन जो है 50 लेवल का है। देखते हैं भाई कितना इन दोनों के बीच में फाइट होता है, क्योंकि एक है भाई फायर टाइप, एक है भाई अपना आइस टाइप। देखते हैं फायर और आइस में कौन जीतता है। वैसे तो आइस ही जीतना चाहिए भाई, फायर और आइस में आइस ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पता नहीं गाइस, ब्लेजमोट से बहुत ज़्यादा मेरे को नफरत है, और भाई पता नहीं मुझे बहुत बेकार पाल लगता है। इसके ऊपर हम लोग भर भर के भाई साहब शॉटगन बरसाने वाले हैं। देखते हैं भाई कितना इसको डैमेज देते हैं अपन लोग। और भाई ये अपना जो अच्छा डैमेज दे रहा गाइस, वो भी ब्लेजमोट भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा, अपना लेजेंडरी पाल भी उसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा ऑस्ट्रेलियन। भाई ये मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा भाई, उधर मार यार, इधर तेरा ऑस्ट्रेलियन खड़ा है उसको मार भाई। भाई साहब ये ब्लेजमोट को मैं गंदा मारने वाला हूँ अपने शॉटगन से, देखते जाओ अभी। चल भाई अपना ऑस्ट्रेलियन नॉक को भेजे हैं अपन लोग, देखते हैं भाई ये कितना डैमेज देता है। भाई ये जो अपना ऑस्ट्रेलियन नॉक है, अभी अपन लोग इसको ब्रीडिंग की वजह से हमारे पास में है, ब्रीडिंग करवा के अपन लोग इसको हासिल किए हैं। तो गाइस इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि अभी 36 लेवल का ही है अपना ऑस्ट्रेलियन नॉक। लेकिन आने वाले टाइम पे भाई इसको भी अपन लोग अपग्रेड करेंगे और तगड़ा इसको भाई बनाने वाले हैं गाइस। और भेजते हैं भाई जर्मन टाइट में, देखते हैं कितना डैमेज देता है। भाई ये फंस जाता है भाई, छोटे मोटे जगह के लिए नहीं है जर्मन टाइट, इसको मैं फालतू में लेके आया हूँ गाइस। भाई साहब यहाँ जर्मन टाइट कुछ काम का ही नहीं लग रहा गाइस, थोड़ा बहुत भी डैमेज नहीं दे रहा, हल्का फुल्का इसको डैमेज दिए पड़ेगा कब से, उससे ज़्यादा तो ये उसको डैमेज दे रहा भाई, अपना ब्लेजमोट अपने जर्मन टाइट को दे रहा। चलो गाइस भेजते हैं फिर से ऑस्ट्रेलियन को, इस बार देखते हैं गाइस कितना डैमेज देते हैं ऑस्ट्रेलियन अपना। पिछली बार भाई साहब हाफ एचपी यही अकेला दे था, बाकी जो अपने दो पाल भेजे अपन लोग वो ज़्यादा डैमेज नहीं दिए इसको। देखो गाइस ऑस्ट्रेलियन देखो भाई साहब पूरा खतरनाक प्लेयर है भाई अपना ऑस्ट्रेलियन। भाई साहब ऑस्ट्रेलियन से फाइट करवा दो तो मुझे इससे तरस आ रहा भाई ब्लेजमोट के ऊपर। भाई गंदा मार रहा अपना ऑस्ट्रेलियन भाई इसको, भाई वो भी फायर बोल गंदा अटैक किया भाई, वो भी कोई कम नहीं है गाइस। अगर अपन लोग उसको क्लोज से देखें ना तो बहुत खतरनाक दिखने वाला बंदा है। अपन लोग उसके पास जाएंगे ना, मुझे तो वो भाई इजी मार सकता है, इसके लिए मैं उससे दूर हूँ। भाई साहब ऑस्ट्रेलियन नॉक कोई काम का नहीं है अभी, क्योंकि कम लेवल का है, और ये भाई जर्मन टाइप फंस जा रहा है छोटे जगह पर। बच्चा अपना ऑस्ट्रेलिया निकलौता तो भाई कब तक उससे फाइट करवाएंगे इसका, भाई वो भी तो लो हो जा रहा है बार बार। जर्मन टाइट में भाई थोड़ा बहुत डैमेज देना चाहिए, इसकी वजह से मैं लाया इसको, लेकिन भाई ये जल उल जा रहा है यार लावा में। ओके तो गाइस अभी ना 600 के आसपास है इसका हेल्थ, तो भाई अभी लेजेंडरी स्पेयर भाई अपना काम जरूर करेगा, एक बार में इसको कैप्चर कर लेंगे, इस टेंशन वाली बात ही नहीं। और देख सकते हो गाइस 100% दो अटैम्प्ट के बाद 100% आया, ऐसी बात नहीं है। भाई तू कुछ काम का नहीं था भाई अपना। ऑल राइट गाइस अपन लोग तीसरे बॉस के पास आ चुके हैं, जिसका नाम है भाई एस्टोकॉन। एस्टोकॉन डार्क टाइप पाल है भाई, और बहुत ज़्यादा हैवी पाल है भाई, बहुत खतरनाक है, इसका डैमेज है गाइस। देखते हैं अपन लोग का ऑस्ट्रेलियन कितना कुछ कर पाता है इसके लिए। भाई अच्छा खासा मारना चाहिए ऑस्ट्रेलियन भाई, अपग्रेड करके लाए ऑस्ट्रेलियन को। ये रहा भाई अपना एस्टोकॉन, देख रहा हो कैसे चमक रहा गाइस अंधेरे में, इतना ज़्यादा चमक रहा नहीं बंदा। चल भाई ऑस्ट्रेलियन देखते हैं गाइस कितना डैमेज देता है अपना ऑस्ट्रेलियन। भाई सब ऑस्ट्रेलियन हावी है भाई, कुछ भी बोलो ऑस्ट्रेलियन जितने भी पाल से फाइट करवा लो ना सबके ऊपर हावी है। अब भाई साहब देखना बस है जेट ड्रैगन के ऊपर कैसा करता है। जेट ड्रैगन के लिए गाइस आपको अगली वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जेट ड्रैगन के लिए गाइस अपने को थोड़ा लेवल बढ़ा के जाना पड़ेगा अपने आप को। अभी अपन लोग 48 लेवल के हैं, 50 लेवल के आसपास अगर अपन लोग हो जाएँ तो भाई जेट ड्रैगन को ईजी मार सकते हैं अपन लोग। एस्टोकॉन अच्छा मार रहा है गाइस, अभी थोड़ा सा ना मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शील्ड नहीं है, और शायद एक बार में इसका अटैक मेरे ऊपर हावी हो जाए और मैं मर जाऊँ भाई, इसलिए थोड़ा बच के खेलना चाहिए गाइस, थोड़ा बहुत अपना एचपी बचा के खेलते हैं। बाकी अपना ऑस्ट्रेलियन तो अच्छा खासा डैमेज दे ही रहा भाई। चलो भाई थोड़ा साइड हो जाते हैं, वही वाला अटैक कर रहा वापस से। और नहीं नहीं गाइस मैं तो देखना ही भूल गया भाई, इसका एचपी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी अगर लोग अगर लेजेंडरी स्पेयर मार दे तो इजी कैप्चर कर लेंगे इसको, लेकिन भाई ये मार मत जाए, मर मत जाए भाई सब, आजा 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 100% गाइस लेजेंडरी स्पेयर भाई ओपी यार। और भाई अपना शैडो भी यार जल चुका है, शैडो भी जल्दी पकड़ने वाले हैं गाइस अपन लोग। तो गाइस अपन लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट बॉस के पास, जिसका नाम है लाइलिन नॉक। गाइस तो चलते हैं बर्फ के अंदर, एक शायद आइस टाइप पाल होने वाला है या फिर डार्क टाइप,
दोनों में से कोई एक पाल होने वाला है। तो चलते हैं गाइस, अपने पास तो अच्छे खासे पाल हैं, लेजेंडरी है भाई, ऑस्ट्रेलियन है, एस्टोगन भी अभी तो है, लेकिन एस्टोगन को लेके नहीं आया हूँ मैं। के तो गाइस अपन लोग शायद क्लोज आ चुके हैं, कितना दूर है आ रही है और कितना अंदर जाना पड़ेगा इसके लिए, कितना दूर है पता नहीं, देखते हैं। ओके तो सामने रहा भाई लाइली नॉक, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत पाल है गाइस, कुछ भी कर लो ये पाल ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखना अभी मैं क्लोज में जाकर ना इसका फेस दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस ये लाइली नॉक गाइस, 49 लेवल का है ये और बहुत ज़्यादा खूबसूरत पाल है भाई। देखते हैं भाई अपना जो शैडो वीक है कितना इसको डैमेज देते हैं। शैडो वीक भेजा नहीं, आई थिंक मैंने ना इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन नॉक भेजा है गाइस। शैडो वीक तो अभी अपना ब्रीडिंग वाला है, ज़्यादा उसका एचपी नहीं है गाइस, ज़्यादा लेवल पर भी नहीं है शैडो वीक अपना। ओके तो गाइस ये वाला फाइट इन्जॉय करो बस, देखते जाओ भाई कितना मस्त खूबसूरत फाइट लड़ रहे हैं, दोनों नॉक प्लेयर हैं, दोनों नॉक पाल हैं, और देखते जाओ गाइस। ओ भाई सब तो उसको जमा दिया यार भाई, एक बार में फिर से जमा दिया गाइस, दो दो बार जमा दिया, क्या कर रहा भाई तू, ऑस्ट्रेलियन के नाम पे धब्बे है क्या भाई साहब, ऑस्ट्रेलियन के नाम पे तो। ओके नहीं यार वो पहले डैमेज कर दे रहा गाइस इसको, तो फिर से लो हो गया। शैडो विक तो भेजते हैं, ये भी बहुत लो लेवल का अपना शैडो विक। ओके तो गाइस देखो कितना ज़्यादा इसका एचपी तो नहीं खा पा रहे हैं लोग, शायद इसके ऊपर ना ऑस्ट्रेलियन अपना हावी रहेगा, डार्क के ऊपर शायद आइस टाइप पोकेमोन ही ज़्यादा हावी होता है। तो भेजते हैं गाइस अपना ऑस्ट्रेलियन को, थोड़ी देर वेट करते हैं इसका फाइट देख लेते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियन को भेजते हैं। ठीक है ठीक है, अभी ये मेरे पीछे आ रहा, चल भाई सड़ो एक वापस जा, थोड़ा स्कूल जा के रख। नहीं यार अच्छा डैमेज दे रही अभी, लेकिन गाइस इसका डैमेज कम है मेरे को लग रहा, क्योंकि मेरा जो शील्ड है वो एक बार में नहीं खुला पा रहा ये बंदा। चल भाई अपना फैन ग्लोब, अब तो मेरे पास शील्ड भी नहीं है, इसे बच के खेलना पड़ेगा। फैन ग्लोब भी अच्छा खासा डैमेज दे सकता है, वो भी आइस टाइप पाल ही है। अच्छा देखो गाइस अभी ना फैन ग्लोब अच्छा खासा डैमेज दे रहा गाइस इसको, और फैन ग्लोब के पास मैंने एक एक्स्ट्रा मूव उसका अनलॉक कर दिया है, जो कि शायद ग्रास टाइप का मूव है। अब भाई साहब देखते हैं अपना जो ऑस्ट्रेलियन है कितना डैमेज देता है, देखते जाओ गाइस बस। अभी लाइली नॉक वर्सेस ऑस्ट्रेलियन, आइस टाइप वर्सेस डार्क टाइप, भाई साहब देखते जाओ अभी, गंदा मारने वाला गाइस अपना ऑस्ट्रेलियन जो है ना इसको गंदा मारेगा, देखते जाओ अभी एक बार अटैक करने दो इसको बस। देखो अभी देखो गाइस एचपी देखो इसकी कितने ज़्यादा इसका ना एचपी एक बार में ख़त्म कर रहा, देखते जाओ अभी ना इसको अपन लोग इजी कैप्चर कर लेंगे गाइस, देखते जाओ। देखो देखो भाई कितना ज़्यादा इसका डैमेज है, चला जाओ भाई अपने पास तो लेजेंडरी स्पेयर है, ईजी कैप्चर 600 के आसपास ही है, तो 2000 भी रहता तो ईजी कैप्चर हो जाता। ओके तो गाइस अपन लोग लाइन नॉक भी पकड़ लिया, तो गाइस अपन लोग अभी जेट ड्रैगन के लिए रेडी हो चुके हैं, जेट ड्रैगन पैलेडियस निक्रोमस दो पाल और बचे हैं। तो गाइस अगली वीडियो पे जेट ड्रैगन आने वाला है अपने पाल बॉक्स के अंदर। तो गाइस फिलहाल मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और गाइस एक कमेंट प्यारा सा अच्छा सा गंदा सा जैसा भी करना चाहो एक कमेंट प्लीज कर देना, और मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।